आज हम बनाने जा रहे हैं मेयोनीज। मेयोनीज हम मोमोज के साथ में और भी किसी भी डिश के साथ में हम इसे खा सकते हैं। मेयोनीज बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी दूध, और जितनी कटोरी दूध है उतना ही हमें तेल चाहिए। और इस पे हम मिक्सी में, जो मिक्सी का बड़ा वाला जार होता है, उसमें हमें दूध डाल देना है और फिर उसी में हमें तेल मिक्स कर देना है। तेल हमें एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे हम। और इसमें हम 1 चम्मच शक्कर डालेंगे और आधी चम्मच नमक डालेंगे। नमक डाल के फिर इसके बाद में हम मिक्सी को धीरे धीरे चलाएंगे। अब हम इसमें पहले थोड़ा तेल ऐड कर देंगे, तो इस पर हम थोड़ा तेल बचा लेंगे कटोरी में और मिक्सी को हम चलाएंगे। मतलब हम लगभग 5-6 मिनट तक मिक्सी को कंटिन्यू चलाते रहेंगे। मतलब हमारा मिक्सी जार गर्म नहीं होना चाहिए। और यह है सिरका, वाइट सिरका जो विनेगर होता है वो है। वो एक ढक्कन मैंने ले लिया है, एक ढक्कन इसमें हमें मिक्स करना है। और जो दूध लिया है वो बिल्कुल फ्रिज में रखा हुआ बहुत ज़्यादा ठंडा दूध है। और देखिए, हर 5 मिनट 2 मिनट में मैं मिक्सी चला रही हूँ और उसके बाद बंद कर रही हूँ। मिक्सी जार हमारा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म हो जाएगा तो हमारी मेयोनीज़ अच्छी नहीं बनेगी, मतलब वो पतली पतली होगी। तो आप जैसे क्रीमी हमें चाहिए, उसके लिए हमें बार बार ढक्कन खोलना है और चेक करते जाना है बीच में। और यानी मिक्सी हमारी गर्म नहीं होने देना है। अगर जार गर्म हो जाएगा तो हमारा मेयोनीज़ अच्छी तरीके से फ्लफी जो होती है वो हो नहीं पाएगी। तो उसके लिए आप बस मिक्सी चलाइए थोड़ी देर और फिर बंद कर दीजिए, फिर चलाइए फिर बंद कर दीजिए। तो ये प्रोसेस करते करते लगभग आपको 10 मिनट तक आप ऐसा करेंगे तो आपकी मेयोनीज़ बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। मेयोनीज़ होती क्या है? मेयोनीज़ अक्सर आपने देखा होगा, आप जब मोमोज़ की दुकान में जाते हैं तो वहाँ वाइट कलर की एक चटनी होती है, सॉस जैसा होता है, तो ये वो मेयोनीज़ होती है। ये विदाउट एग है, इसमें एग भी ऐड किया जाता है, लेकिन ये बिना एग के मैं बनाई हुई। इसको आप बना के देखिए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। मैंने घर में इसे बनाया, काफ़ी अच्छी बनी। और आप इसको सैंडविच के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, काफ़ी अच्छी लगती है। और आप इसे देखिए, ये थोड़ा अभी भी लिक्विड लग रहा है, तो इसको हम 1-2 बार और चलाएंगे तो ये काफ़ी क्रीमी उसमें आ जाएगा। इसे हम मिक्सी चलाते जाएंगे और थोड़ा तेल और ऐड करेंगे। अगर आपको लगेगा कि आप अभी भी वो लिक्विड है, क्रीमी शेप में नहीं आया है, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा तेल और रिफाइंड ऑयल यूज़ कीजिए और चलाते जाइए। फिर देखिए, इस तरह से ये क्रीम जैसा बन जाएगा, जैसे व्हिप क्रीम होती है वैसा बन जाएगा। और आपकी मेयोनीज घर में बनी हुई तैयार है, जो काफ़ी ही अच्छी है। और आप इसे रख कर फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको 1 हफ्ते यूज़ कर सकते हैं। आप जितना चाहे जैसे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रखिए और इसको यूज़ कीजिए। और आपने बनाया तो कैसी बनी है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए, हमारी मेयोनीज़ तैयार है।